अगले ही पल घर के पिछले दरवाजे से हिम्मत पाटिल घर के अंदर दाखिल हुआ और मोहन को शाबाशी देते हुए उसके बाप से बोला, अरे वाह सरदार, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। पुलिस ने जो 500 रुपये का इनाम रखा है टंट्या पर, पंदाना थाने जाकर वो ले लेना। साला दो कोड़ी का नौकर मेरे गांव के लड़के को अगवा करता है, उठा रहे इसको। टंट्या को इस बार फिर धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मोहन पर भरोसा किया था, दोस्त कहने वाले ने दगाबाजी की थी, ये सब हिम्मत पाटिल का किया धरा था। उसने ही पंदाना थाने जाकर ये सब षड्यंत्र रचाया था। टंट्या बिजनिया और दोलिया को पुलिस जंजीरों में बांधकर धक्का देते हुए ले जाने लगी। जाते जाते टंट्या गरज कर बोला, हिम्मत दाजी कितना झूठ बोलोगे, मैं भील हूँ, जेल से छूटने दे फिर बताता हूँ तुझे, ज्वार माता झटका है दिस। अमर शहीद टंटे भील के जीवन पर आधारित रॉबिन हुड सीरीज के छठे एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार साहूकारों और अंग्रेजों से तंग आकर टंट्या भील सियारो गांव छोड़कर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जंगलों में जाकर रहने लगा। अब टंट्या भील मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की झीना तहसील के बिलखेड़ गांव के पास ही जंगल में स्थित एक गुफा में रहने लगा। अगर आपने हमारी सीरीज के पिछले 6 एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, क्लिक करके देख लें। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कहानी अब आगे। दोलिया ने पोखर आकर भीखा पाटिल को बताया कि तुम्हारा भाई कालू पाटिल हमारे कब्जे में है, तो भीखा पाटिल घबराकर गिड़गिड़ाने लगा। भीखा पाटिल ये जानता था कि नहाल टंट्या का दोस्त है। पूरे पोखर गांव में टंट्या के इस कारनामे ने हलचल मचा दी। ये वही टंट्या था जो कुछ महीने पहले 2-4 आने की दिहाड़ी मजदूरी करता था, पर आज गांव वालों ने उसका गुस्सा देख लिया। गांव के साहूकारों की नींद उड़ गई। शिब्बा पाटिल ने अपने हम साया नातेदारों को इकट्ठा किया और सरदार पाटिल से कहा, सुना है वो 2 कोड़ी का टंट्या उठाईगिरी करने लगा है। इस पर सरदार पाटिल बोला, रात होने पर चराग बुझा दिए जाते हैं शिब्बा दाजी, उछलने दो साले को, जमीन तो छीन ही ली है हमने, और कोई चोरी का इल्जाम लगवा के अंदर करवा देंगे। वैसे भी 3 बार तो भेज चुके हैं हवालत में साले को। इतना कहते ही दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। टंट्या इस समय खरगोन के जंगलों में ही अलग अलग जगहों पर छिपकर रहता। धीरे धीरे और ज्यादा लोग भी उसके गिरोह में शामिल होने लगे। पहले बिजनिया दोलिया के अलावा 2-3 लोग ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे बागियों की तादाद बढ़ने लगी। ये वही लोग थे जिन्हें सरकार और साहूकारों ने जमीन से बेदखल करके सब कुछ छीन लिया था। टंट्या का गिरोह अब खाने की तलाश में छोटी मोटी चोरियां करने लगा। एक दिन यूं ही जंगल में घूमते घूमते टंट्या को पोखर गांव का मोहन दिखाई दिया। टंट्या को देखकर मोहन की आंखें भर आई। टंट्या ने पूछा, अरे मोहन क्या हुआ तुझे, तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है। मोहन ने कहा, गांव वालों ने मुझे जलील किया है और मुझ पर बहुत अन्याय किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह गाँव छोड़कर भाग आया, मुझे भी अपना साथी बना लो। टंट्या मोहन को पहले से ही जानता था, इसलिए उसने हामी भर ली। लेकिन जंगल में इतना कठिन जीवन और मौसम की मार के कारण टंट्या से मोहन की हालत देखी ना गई। टंट्या ने मोहन से कहा, देख मोहन, तू पोखर वापस चले जा, अपने परिवार के साथ रहे, इस जंगल में तुझे कष्टों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मोहन को इन सब बातों से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, पर टंट्या के ज्यादा कहने पर मोहन बोला, ठीक है मैं वापस गांव चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें गाँव चलकर मेरे माँ बाप को समझाना होगा, नहीं तो मैं नहीं जाता। मोहन के इतना आग्रह करने पर टंट्या ने कहा, ठीक है सुबह चलते हैं, मैं तेरे दाजी से बात करूंगा। अगली सुबह टंट्या मोहन के साथ झिरनिया के पास बिलखेड़ गांव के करीब गुफा से बाहर निकला। मोहन ने कहा, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं, एक काम करो, बिजनिया और दोलिया को भी साथ ले लो। मोहन की बात सुनकर टंट्या को खुशी हुई, उसने वैसा ही किया। सुबह सुबह बिलखेड़ गांव से पूर्व दिशा में टंट्या अपने साथियों के साथ रवाना हुआ। वे लोग करीब 55 किलोमीटर पूर्व दिशा में पैदल चलकर पोखर पहुंचे। गांव में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतनी दूर चलकर वे काफी थक चुके थे। पोखर जाते ही टंट्या सबसे पहले अपने दोस्त नहाल के घर पहुंचा। अरे आओ टंट्या, बड़े दिनों बाद आए, कैसे हो भाई। अब अंदर भी बुलाएगा या यहीं से सब पूछ लेगा, टंट्या ने हंसते हुए कहा।
इस तरह नहाल ने टंट्या की काफी आवाभगत की। सबने भोजन किया और आंगन में चारपाई पर बैठ गए। बिजनिया और दोलिया सामने ही ओटले पर बैठ गए। वहीं बैठे बैठे दोलिया ने अपनी जेब से चिलम निकाली और एक हुक्का बनाकर टंट्या की ओर बढ़ाया। चिलम के धुएं के साथ ठहाके और पुरानी यादें ताजा की जा रही थी। इन्हीं ठहाकों के बीच मोहन भी आ गया और मोहन के साथ उसके पिता सरदार पाटिल भी आ गए। राम राम पाटिल दाजी, टंट्या ने सत्कार करते हुए कहा। सरदार पाटिल भी अच्छी तरह पेश आए। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर सरदार पाटिल बोले, देख भाई टंट्या, हम तो ठहरे साहूकार आदमी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तू भी अपने ही गांव का है और ये एक दूसरे से रंजिश रखना दोनों के लिए अच्छा नहीं है, है कि नहीं? भाई मैंने और चिब्बा पाटिल ने तो सोच लिया है कि हम तुझे और परेशान नहीं करेंगे। अब तुझे अदालत और वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तेरे सारे पुलिस केस भी रद्द करवा देंगे। बस तू एक काम कर, कल आना और कागजात पर दस्तखत कर देना और जमीन तेरी वापस ले लेना। जैसे ही दस्तखत हो जाएंगे तू आजाद हो जाएगा, ठीक है? टंट्या को सरदार पाटिल का यह सुझाव काफी अच्छा लगा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगली सुबह टंट्या के जीवन में एक नई उमंग लेकर आई थी। वह जल्दी ही उठ गया और दातुन करते हुए नहाल से बोला, तुझे पता है नहाल, मुझे अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा लगाव है तो वो है मेरे दादी की जमीन से। एक वो ही निशानी रह गई है दादी के जाने के बाद। आज जब जमीन मुझे वापस मिल जाएगी तो दादी भी ऊपर से देखकर खुश होगा। बेचारे ने पूरी जिंदगी बंधुआ बनकर गुजार दी जमीन के लिए। टंट्या की बातें सुनकर नहाल भी काफी खुश लग रहा था। थोड़ी देर बाद सभी तैयार होकर सरदार पाटिल के घर पहुंचे। दोलिया और बिजनिया बाहर चारपाई पर ही बैठ गए। सरदार पाटिल ने बड़े आदर सत्कार से टंट्या का स्वागत किया, मान सम्मान दिया। मोहन भी उनके साथ ही बातचीत कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक अंदर के कमरे में से 4-5 पुलिस वाले हड़बड़ी में निकले और टंट्या को दबोच लिया। इससे पहले कि बिजनिया और दोलिया कुछ समझ पाते, पास की झोपड़ी में छिपकर बैठे 4 पुलिस वालों ने झट से पास आकर राइफल्स तान दी। अगले ही पल घर के पिछले दरवाजे से हिम्मत पाटिल घर के अंदर दाखिल हुआ और मोहन को शाबाशी देते हुए उसके बाप से बोला, अरे वाह सरदार, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। पुलिस ने जो 500 रुपये का इनाम रखा है टंट्या पर, पंदाना थाने जाकर वो ले लेना। साला 2 कोड़ी का नौकर मेरे गांव के लड़के को अगवा करता है, उठा रहे इसको। टंट्या को इस बार फिर धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मोहन पर भरोसा किया था, दोस्त कहने वाले ने दगाबाजी की थी, ये सब हिम्मत पाटिल का किया धरा था। उसने ही पंदाना थाने जाकर यह सब षड्यंत्र रचाया था। टंट्या बिजनिया और दोलिया को पुलिस जंजीरों में बांधकर धक्का देते हुए ले जाने लगी। जाते जाते टंट्या गरज कर बोला, हिम्मत दाजी कितना झूठ बोलोगे, मैं भील हूँ, जेल से छूटने दे फिर बताता हूँ तुझे, ज्वार माता झटकाए दीस। टंट्या का यह रूप देखकर हिम्मत पाटिल डर गया और इधर उधर मुंह छुपाने लगा। आफ्टर ऑल 1878 के करीब पंदाना पुलिस ने टंट्या को गिरफ्त में लिया और ज्यूडिशियल ट्रायल के लिए खंडवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया। इस तरह एक और मामला दर्ज किया गया, कालू पाटिल एंड अदर्स वर्सेस टंट्या भाव सिंह सिसाटे एंड अदर्स प्रिवी काउंसिल 1878। टंट्या और उसके साथियों पर कई इल्जाम लगे। पोखर गांव के कालू पाटिल को अगवा करने के जुर्म में प्लेंटिव साइट के वकील ने जज साहब से आईपीसी की धारा 363 के तहत एबडक्शन यानी अपहरण की सजा की कार्रवाई करने की सिफारिश की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर जज साहब ने कहा, इस केस की सुनवाई कल तक मुलतवी की जाती है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। टंट्या, दोलिया और बिजनिया ये तीनों अच्छे से जानते थे कि अगले दिन पक्का हमें सजा होने वाली है। आज की रात के लिए इन तीनों को खंडवा सेंट्रल जेल की एक काल कोठरी में डाल दिया गया। आज की रात तीनों के लिए परीक्षा की रात होने वाली थी। कारागार के एक कोने में पीठ टिका कर बेटा टंट्या सोचने लगा, हाथ में सिर्फ आज की रात है, कल जज साहब हमें सजा सुना देंगे, इसके बाद हमें किसी दूसरी जेल में डाल दिया जाएगा, इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। और उसने दोलिया की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। टंट्या के एक इशारे पर उस रात खंडवा सेंट्रल जेल में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने ब्रिटिशर्स की नींद उड़ा दी। पहले इस ऐतिहासिक घटना पर कुछ पंक्तियां सुन लीजिए।
मूछ चढ़ा छलांग लगा के भागा हथकड़ी तोड़, टंट्या या मर्दाना तेरी कौन करेगा होड़। आखिर खंडवा जेल की उस काल कोठरी में टंट्या और उसके साथियों ने ऐसा क्या कर दिया कि चारों ओर टंट्या भील की बहादुरी के चर्चे होने लगे। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, जो हमारी रॉबिन हुड सीरीज का 8वां एपिसोड होने वाला है। और हाँ, सब्सक्राइब करो यार, आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जोहार। अरे खुल्लो दे चले रे बाप थारो टंकियो यो चले रे वो बाप थारो टंकियो ये चले रे वो बाप थारो टंकियो यो चले रे अरे बाप थारो टंकियो यो चले रे बाप थारो टंकियो यो चले रे बाप थारो टंकियो यो चले रे और भी न समाज को बेटो दे सफर जानन उठई।